हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सस्पेंड, बर्खास्त, निलंबित, डिसमिस और लाइन हाजिर का क्या मतलब होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन एम सिद्दीकी, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि निलंबित और बर्खास्त में क्या अंतर होता है? आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा या फिल्मों में देखा और सुना होगा कि किसी कर्मचारी को या पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कई लोगों को लगता है कि सस्पेंड करना मतलब नौकरी से हटाना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि निलंबित, बर्खास्त, सस्पेंड और डिसमिस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि निलंबित का अर्थ होता है सस्पेंड, यानी कि निलंबित को इंग्लिश में सस्पेंड कहा जाता है। इसी तरह बर्खास्त का इंग्लिश में अर्थ होता है टर्मिनेट या डिसमिस। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं सस्पेंड या निलंबन के बारे में। सस्पेंड और निलंबित एक ही बात है। जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उस स्थिति में उसे आधी सैलरी और महंगाई भत्ता भी मिलता है। सस्पेंड या निलंबन का अधिकार अपने से ऊपर के अधिकारियों के हाथ में होता है। सस्पेंड कुछ दिनों या महीनों के लिए भी किया जा सकता है। सस्पेंड का मतलब नौकरी से हटाना बिल्कुल भी नहीं होता। सस्पेंड होने पर जिन आरोपों के कारण कर्मचारी सस्पेंड हुआ है, उन आरोपों की जांच होती है। जांच में निर्दोष पाए जाने पर नौकरी वापस भी मिल जाती है, और यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो कर्मचारी को बर्खास्त भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें डिसमिस की, तो किसी कर्मचारी को बर्खास्त या डिसमिस करने का अधिकार उस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी के पास होता है। इसके अलावा जब किसी कर्मचारी को बर्खास्त या डिसमिस किया जाता है तो उसे वेतन नहीं मिलता, जैसे कि सस्पेंड होने पर आधा वेतन मिलता है, डिसमिस होने पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, और ऐसी स्थिति में पीएफ भी नहीं मिलता है, सिर्फ ग्रेजुएटी ही मिलती है। बर्खास्त हुआ कर्मचारी अन्य किसी विभाग में सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता है। इसी तरह बर्खास्त हुआ कर्मचारी चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं लाइन हाजिर क्या होता है। ये लाइन हाजिर शब्द अक्सर पुलिस विभाग में ही सुनने को मिलता है। अक्सर अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि किसी सब इंस्पेक्टर या कुछ पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। ऐसा तब किया जाता है जब पुलिस वालों के गलत कामों की वजह से पब्लिक में उनके खिलाफ आक्रोश पैदा हो जाता है। पब्लिक के इसी आक्रोश को शांत करने के लिए या कभी कभी नेताओं के दबाव में या किसी शिकायत के आधार पर भी पुलिस के उच्चाधिकारी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर देते हैं। लाइन हाजिर में पुलिस वालों को उनके पदस्थ स्थान से हटाकर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया जाता है। लाइन हाजिर होने पर नौकरी पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइन हाजिर में एक जिम्मेदारी से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो दोस्तों, हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको सस्पेंड, बर्खास्त और लाइन हाजिर के बारे में दी गई जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।